ये बहुत ही डेंजरस पीस ऑफ इक्विपमेंट है, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा इंडिया में। रैमजेट या पाउडर बेस्ड इक्विपमेंट यूएस वगैरह में मिलता है, जहाँ पे 0.22 कैलिबर्स के जो LR शेल्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। ये एक्सट्रीमली डेंजरस है क्योंकि ये एक्सप्लोजिव बेस्ड है। ये आपका नेल है, ये जो है इसके अंदर में एक्सप्लोजिव है, और जो नॉर्मल एक रिवॉल्वर या राइफल का जो मैकेनिज्म है, जो परकशन आकर यहाँ मारता है और ये एक्सप्लोड करता है, और ये फिर लोहा स्टील किसी के अंदर भी जाकर धंसता है। इसे आप किसी को आराम से मार सकते हैं, ये पोटेंशियली लीथल होता है। पैकेट के अंदर में ये आया है 50 पाउडर कार्टेज के साथ में। आप इसको ईजिली मॉडिफाई करके आप एक उसको रिवॉल्वर या वेपन की तरह बना सकते हैं। बहुत डेंजरस चीज़ है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा अपना इंडिया में। साथ में ये स्प्रिंग आया है, एक्स्ट्रा स्प्रिंग्स है, और इसका ये एक एक्स्ट्रा पिनियन पिन है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब ब्लास्ट होता है तो रिकॉइल आता है, जिससे कि स्प्रिंग्स डैमेज होते हैं। ये अडाप्टर्स दिया हुआ है, इसको डिसअसेंबल कर देते हैं आपके सामने। ये फ्रंट पोर्शन है, इसका ये अडाप्टर है, ये जो पैलेट है यहाँ लग जाएगा, पैलेट या ये मैगजीन को ये अडाप्टर के बाद ये ऐसे लग जाएगा, और इसको जोर से अगर आप मारिएगा, इम्पैक्ट करिएगा, तो ये एक्सप्लोड करेगा पटाखे की तरह। ये खोल लिया, इसके अंदर में इसका चेंबर है, जो गन के अंदर में आप उसको जहाँ पे आप बुलेट एक्सप्लोड करता है, ये वॉशर्स खोल लेने पे इसका गैसेस अंदर ही रिलीज हो जाएगा, यहाँ से गैसेस एस्केप कर जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट का पावर रिड्यूस हो जाता है। ब्रीच, जिसको आप गन में राइफल में जो जिसको ब्रीच बोलते हैं, वो ये पार्ट काफ़ी मोटा हैवी मेटल का बना है, और ये चारों स्क्रूज आप बंद रखेंगे तो सारा गैस और इम्पैक्ट बाहर की तरफ जाएगा, तो स्टील वगैरह में लगेगा। लकड़ी में काम करना था कि चारों खोल लीजिए, आधा गैस यहाँ से निकल जाएगा वेंट से, और कम पावर से ये पेनिट्रेट करेगा। और बाकी डिसअसेंबल करके दिखाते हैं। ये हैंडल है, हेयरगन की तरह स्प्रिंग है, शीथ है। ये पिन यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये बाहर निकल जाता है। ये इसका स्ट्राइकर है, बोल्ट जिसको बोलते हैं, ये रिकॉइल अब्जॉर्ब करने के लिए। वापस असेंबल करते हैं, ये अंदर चला जाएगा ऐसे। ये अनबॉक्सिंग है, ये इसका जो स्ट्राइकर या प्राइमर या गन बोल सकते हैं वो है, और ये सारे इसके एक्सप्लोजिव से भरे कार्टिज हैं। पहले वुड में करते हैं फुल पावर पे, यानी कि चारों इसके जो गैस इजेक्शन पोर्ट्स हैं चारों कवर्ड रहेंगे, देखने कितना डैमेज करता है, उसके बाद उसको स्टील पे ट्राई करेंगे। ये जो आवाज़ था, ये एक पटाखा या लाउड फायरवर्क से ज़्यादा था, आई होप कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। सो फुल पावर के साथ ही पूरा अंदर है, देखना कि ये एंगल पे ये आर पार हो पाएगा कि नहीं। ये आई थिंक 5 mm होगा एंगल का थिकनेस, इस पर हम लोग का मोटर ये बैठता है। एक बार करते हैं, अंदर से निकल गया। इसको यहाँ ऐसे लगा के ऐसे मारे